हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का नेक्स्ट सेशन, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो बहुत ही हेल्प करेगा आपको गेट क्रैक करने में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो कास्टिंग पढ़ रहे हैं, और कास्टिंग में हम लोग एज अ क्रैश कोर्स को डील कर रहे हैं, और मैं आपको केवल न्यूमेरिकल पोर्शन इसका करवा रहा हूँ। केवल वो टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, लेट्स क्रैक इट। दिस द लिटल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, मेरे बारे में, और ज़्यादा मैं इसमें समय नहीं लूँगा, ठीक है। बाकी जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आई विल लाइक टू टेल देम कि इस लिंक को आप फॉलो कर लो अगर आपको मेरे वीडियोज़ और मेरे द्वारा बताए गए चीज़ें समझ में आ रही हैं। जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपके भेजे में अगर घुस रहा है, आपके क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं, तो आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर लो दोस्तों, ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट वीडियो और अपडेट मिलते रहें। इसके अलावा अभी यूट्यूब चैनल पर मैं, जो हमारा स्टूडियो ब्रिज चैनल है, उस पर मैं 11 बजे से 11:30 तक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, और 9 PM टू 9:30 PM मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूँ। दो सब्जेक्ट में डील कर रहा हूँ, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में। मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इनका प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है आपको अनअकैडमी के प्रोफाइल, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस, दैट इज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि 30 से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी करवा रहा है, और कई सारे इसकी खूबियां हैं, कई सारे इसके फ़ायदे हैं जो इस स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप ऑलरेडी जानते हैं, तो बाकी स्क्रीन पर लिखे भी हुए हैं, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ऑलरेडी कई बार मैंने इसको बताया हुआ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो इसको आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिएगा। रही गेट के सब्सक्रिप्शन की बात, तो कई सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो जो बच्चे वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि दोस्तों फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, आप जानते हो। तो फ्री में अगर कुछ मिलता है तो वो है सिर्फ माँ बाप का प्यार, ठीक है। बाकी आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आपको सीरियस प्रिपरेशन करनी है, तो यूट्यूब पर कुछ पार्ट कवर होगा फ्री में, नो डाउट, बट रेस्ट पार्ट आपको कवर करना होगा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए, ठीक है। और किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने से पहले यहाँ पे फ़ी दे रखी है आपको, 12 मंथ के और 24 मंथ की फ़ी, ये उनके लिए जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इस कोड को याद कर लीजिए, GPS लाइव, ये रेफरल कोड है। जैसे आप इस कोड को डालेंगे, GPS लाइव कोड को, किसी भी पेमेंट को करने से पहले इस कोड को डालना ना भूलें, क्योंकि जैसे आप इस कोड को डालेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मैंने पेमेंट कर दिया, GPS लाइव कोड डालना भूल गया था, अब कुछ हो सकता है क्या सर? तो बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, निकल गया वो, ठीक है। तो इसलिए पेमेंट पे क्लिक करने से पहले वहाँ पे ऑप्शन आता है रेफरल कोड का, तो इस कोड को आपको डालना है GPS लाइव। जैसे आप इस कोड को डालेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उस बच्चे की तरह गलती ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए करना क्या है आपको, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, गेट या IS सेक्शन को चूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ से जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, जो लोग 20 गेट 2020 देने वाले हैं, वो एक महीने का सब्सक्रिप्शन लें। बाकी जो 21 या 22 देने वाले हैं, तो दे कैन गो फॉर 12 और 24 मंथ, ठीक है। और अपने फ़ायदे की बात को सोचिए, 24 महीने का जो कोर्स है वो 40,000 रुपये का है, लेकिन पर मंथ कितने का पड़ेगा आपको, ये 1,667 रुपीज़ पर मंथ का ओनली, ठीक है। जिस पे अगर आप GPS लाइव कोड डाल देंगे, तो ये मात्र 36,000 रह जाएगा, और 36 को 24 महीने से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,500 रुपये ये फीस आपको पड़ने वाली है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्त, ज़्यादा दिन का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल ये न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था, और मैंने बोला था कि इसको सॉल्व करके लाएंगे, तो आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पे ये आपको मोल्ड कैविटी दे रखी है, इस कैविटी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये, इसको हम पार्टिंग लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टिंग लाइन। और ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ना, ये बॉटम गेट सिस्टम है, ना ही ये टॉप गेट सिस्टम है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए, और इस वाले सिस्टम का नाम है पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। जैसे कि कल हमने बात करी थी टॉप गेट सिस्टम की और बॉटम गेट सिस्टम की, ये कैसा सिस्टम है, इस ये जो सिस्टम अभी आप देख रहे हैं, सिस्टम का नाम होता है पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। क्या नाम है? पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। पार्टिंग लाइन का मतलब है कि ये लाइन इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक पार्ट हो गया ये वाला और एक पार्ट हो गया ऊपर वाला। अब अगर आप केवल नीचे वाले पार्ट को देखें, केवल फर्स्ट वाले पार्ट को देखें, तो ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, सी एवरीवन, ये जो गेट है, ये मतलब केवल फर्स्ट पार्ट को देखना है, ऊपर वाले पार्ट को आपको नहीं देखना है। एक मिनट के लिए नेगलेक्ट कर दो ऊपर वाले पार्ट को।
तो आप देखेंगे कि ये कैविटी हो गई और कैविटी के टॉप पे ये लगा हुआ है, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो टॉप गेट की तरह काम करेगा। अब आप क्या करो, फर्स्ट वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर दो, केवल सेकंड वाले पार्ट को देखो। तो जब आप सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे तो ये कैविटी हो गई आपकी, ये कैविटी हो गई, ये कैविटी हो गई, और कैविटी के लिए ये किधर से काम कर रहा है, बॉटम से काम कर रहा है। तो सेकंड वाला पार्ट एज अ बॉटम काम करेगा, यानी कि पार्टिंग लाइन गेट के अंदर दोनों की खूबियां होती हैं, ये टॉप गेट की तरह भी काम करता है और ये बॉटम गेट की तरह भी काम करता है। तो ये जो गेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको जो समझा है, दिस इज द पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर टॉप और बॉटम दोनों की खूबी होती है। अगर आप ऊपर वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर देंगे, केवल नीचे वाले पार्ट को देखेंगे, तो ये टॉप की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो गेट है वो कैविटी के टॉप पे है। और अगर आप नीचे वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर देंगे और केवल ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे, तो ये कैसे काम कर रहा है दोस्तों, ये काम कर रहा है बॉटम गेट की तरह। तो करना क्या है आपको, पहले वाले पार्ट के लिए मोल्ड फिलिंग टाइम निकाल लो विद द हेल्प ऑफ टॉप गेट फॉर्मूला, और दूसरे वाले पार्ट के लिए मोल्ड फिलिंग टाइम निकाल लो विद द हेल्प ऑफ बॉटम गेट फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँ, तो चलिए दोस्तों उसको सॉल्व करते हैं नाउ। तो पहले पार्ट के लिए निकालते हैं मोल्ड फिलिंग टाइम। मोल्ड फिलिंग टाइम फॉर पार्ट वन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोल डिवाइडेड बाय ए जी इंटू वी जी, ए जी इंटू वी जी, यही फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड हो जाएगा एरिया ऑफ द मोल्ड इंटू हाइट ऑफ द मोल्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ गेट इंटू वी जी, कितना हो जाएगा अंडर रूट 2g h t, वेर एस टी इज वॉट, एस टी इज द हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल अबव द गेट। तो सारी वैल्यूज आई थिंक दे रखी हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ मोल्ड है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ मोल्ड की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 300 इंटू 10 to the power -4 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर मीटर स्क्वायर में। इसके अलावा एच एम टॉप की बात कर रहा हूँ, तो टॉप के लिए कितना लेंगे, केवल 30 सेंटीमीटर, तो एच एम की वैल्यू हो गई 30 × 10 to the power -2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एरिया ऑफ गेट आपको कितना दे रखा है, एरिया ऑफ गेट दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 × 10 to the power -4 इंटू अंडर रूट 2 × g की वैल्यू 9.81 m/s² और एच टी कितना दे रखा दोस्तों, एच टी दे रखा 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 80 × 10 to the power -2। यहाँ से दोस्तों टाइम निकाल लेते हैं, यहाँ इससे 10 to the power 4 से 10 to the power 4 कैंसिल आउट। ठीक, तो वो सॉल्व करते हैं उसको, 300 × 30 × 10 to the power -2 इज कमिंग आउट 4.54। तो मोल्ड फिलिंग टाइम फ्रॉम टॉप गेट सिस्टम और द पार्ट वन कितना आ रहा दोस्तों, 4.543। यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी कमिंग आउट इन सेकेंड। ठीक है, मैं एक बार इसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ, 3 क्रॉस चेक कर रहा हूँ एक बार, यस 4.543 सेकेंड्स आंसर। तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला मैं मोल्ड फिलिंग टाइम मैंने निकाल लिया नीचे वाले पार्ट के लिए, टॉप के लिए। अब इतने वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को एज अ बॉटम की तरह सॉल्व कर लो, क्योंकि पहले ये भर जाएगा इतना, ये हो गया टॉप गेट के थ्रू। अब बचा हुआ ये वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट, ये बॉटम की तरह काम करेगा, तो इसको बॉटम की तरह भर लेते हैं हम लोग। तो बॉटम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TM सेकेंड पार्ट दैट इज अ बॉटम गेट। बॉटम के लिए फॉर्मूला था दोस्तों, कल पढ़ाया था मैंने, 2 AM/AG इंटू अंडर रूट 2g, और यहाँ पे क्या था ब्रैकेट में, अंडर रूट HT − HM, यही था। ठीक है, इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं,
टू की जगह पे टू, एरिया ऑफ मोल्ड कितना है, एरिया ऑफ मोल्ड है 300 इंटू 10 to the power -4, एरिया ऑफ गेट है 5 × 10 to the power -4 इंटू 2 × 9.81 इंटू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अंडर रूट एच एस टी, एस टी इधर टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी दे रखी है, टोटल हाइट दे रखी है 80 सेंटीमीटर है ना, 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 दे रखी है, मीटर में बात करें तो 0.8 माइनस एच टी की जगह पर 0.8 माइनस एच एम, एच एम कितना दे रखा है, अब इस वाले पार्ट के लिए एच एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच एम इज द हाइट ऑफ द मोल्ड, तो इस वाले पार्ट के लिए हाइट ऑफ द मोल्ड कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर में बात करें तो 0.5 मीटर, ठीक है दोस्तों ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है डिवाइडेड बाय 9.39 सेकेंड्स, एक बार इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यस 9.39 सेकेंड्स, ठीक है तो ये आ गया सेकेंड वाले पार्ट के लिए मोल्ड फिलिंग टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल टाइम हमसे वो पूरे के लिए पूछ रहा है, उसने अलग अलग नहीं पूछा, उसने पूरे मोल्ड कैविटी के लिए पूछा है, तो मोल्ड कैविटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो फाइनल आंसर टोटल मोल्ड फिलिंग टाइम, मोल्ड फिलिंग टाइम टोटल इक्वल टू TM1 + TM2, टी एम वन कितना था, टी एम वन था 4.543 प्लस टी एम टू कितना हो जाएगा 9.39, तो उसको ऐड कर लेते हैं, इट इज कमिंग 13.935 सेकेंड्स, दिस इज द टी एम टोटल, तो इतना समय उसको लगेगा यानी 13.935 सेकेंड उसको फिल होने में लगेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं, अब आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा मोल्ड फिलिंग टाइम यानी कि जो मोल्ड है हमारा इसको फिल होने में कितना समय लगेगा, मान लो ये हमारा मोल्ड है, ये मोल्ड कैविटी है, इसको हमने फिल कर दिया, तो फिल होने में जो समय लगा वो हमने अभी तक निकाला, अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, अब ये फिल हो चुका है, फिल होने के बाद क्या होगा दोस्तों, फिल होने के बाद क्योंकि ये लिक्विड मेटल था जो गर्म गर्म था, अब जब ये फिल हो जाएगा तो इसके अंदर हीट है और यहाँ पे ये मोल्ड के ये चारों तरफ मिट्टी होगी, तो ये हीट क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, ये हीट बाहर की तरफ भागेगी, यानी जो लिक्विड मेटल की हीट है वो बाहर की तरफ जाएगी, और जब लिक्विड मेटल की हीट बाहर की तरफ जाएगी तो
तो ये लिक्विड मेटल धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना चालू होगा। क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन इसका चालू होगा, यानी कि ये सॉलिडिफाई होने लगेगा और हीट बाहर की तरफ फ्लो करने लगेगी। दिस इज द हीट फ्लो, हीट बाहर की तरफ भागेगी और ये क्या होगा, सॉलिडिफाई होने लगेगा और धीरे 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 ये सॉलिडिफाई होके पूरा जम जाएगा। तो उस सॉलिडिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा वो बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉलिडिफिकेशन टाइम। माइंड इट प्लीज, अभी हमने कौन सा टाइम निकाला कि मोल्ड को फिल करने में, यानी लिक्विड मेटल कितनी देर में फिल हो जाएगा वो निकाला हमने। अब मैं कह रहा हूँ कि हमने उसको फिल कर दिया, मोल्ड कैविटी पूरी तरह से फिल हो चुकी है, उसके बाद क्या होगा, ये हीट को रिलीज करना चालू करेगा, हीट चालू हो जाएगा, हीट का फ्लो चालू हो जाएगा और धीरे धीरे ये लिक्विड मेटल जो गर्म था ये ठंडा होने लगेगा और ठंडा होकर क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो ये लिक्विड से सॉलिडिफाई जो हुआ तो दिस इज कॉल्ड द सॉलिडिफिकेशन। तो कितनी देर में ये सॉलिडिफाई होगा वो टाइम हम लोग निकालने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन टाइम। क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन टाइम, विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम। क्या नाम है टॉपिक का? सॉलिडिफिकेशन टाइम। सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था शोरीनोव। क्या नाम था? शोरीनोव। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, इसका नाम बन गया शोबिनोव प्रिंसिपल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, लिसन केयरफुली, तो शोबिनोव वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक इस इफेक्ट पे काम किया और सॉलिडिफिकेशन टाइम के लिए फॉर्मूला बताया। तो उन्होंने बोला कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है टी एस इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस स्क्वायर। मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है, वेयर मॉडुलस को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉडुलस इज वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। मॉडुलस क्या है? वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, यानी कि टी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम का स्क्वायर, और एम किसके बराबर है? एम बराबर है वॉल्यूम अपॉन एम को, एम की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से आ गया टी एस इज इक्वल टू, अब मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाया तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, वेयर वो कॉन्स्टेंट हो गया के, और वी अपॉन सरफेस एरिया। दिस इज द फाइनल रिलेशन, दैट इज सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल टू के और मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस का होल स्क्वायर, माइंड इट प्लीज, है ना, वेयर के इज सॉलिडिफिकेशन फैक्टर विच डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, वेयर के इज द सॉलिडिफिकेशन फैक्टर विच डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला, दैट इज द टी एस इक्वल टू, डायरेक्टली याद कर लो आप, टी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस स्क्वायर, इतना ही याद रखना है। वेयर मॉडुलस इज वॉट? वॉल्यूम अपॉन सर्फेस एरिया ऑफ कास्टिंग। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन सर्फेस एरिया, ठीक है, किसका वॉल्यूम? जो भी हमारा मोल्ड होगा ये वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मोल्ड है तो इसका वॉल्यूम और इसी का सर्फेस एरिया, यानी जो हमारी कास्टिंग होगी उसका सर्फेस एरिया और उसी का वॉल्यूम हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, वेयर के इज सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, वी इज द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, सरफेस एरिया इज, एस इज द सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग, जो भी हमारी कास्टिंग बनाने जा रहे हैं उसका सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चवन्नी वर का एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, हर साल ऑलमोस्ट आता ही है क्वेश्चन, तो इसको ढंग से पढ़ेंगे आज हम सॉलिडिफिकेशन टाइम, क्योंकि इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज द राइजर डिजाइन, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि शोबिनोव प्रिंसिपल से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है इसके ऊपर, उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ,
वेरी सिंपल न्यूमेरिकल हेयर, आई स्फेरिकल कास्टिंग, आई स्फेरिकल कास्टिंग ऑफ रेडियस, आई स्फेरिकल कास्टिंग ऑफ रेडियस 200 mm विद द सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, विद द सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर 97 × 10⁴ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सॉलिडिफिकेशन देख दे रखा है, व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम, व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों सॉल्यूशन देखते हैं, 54 भर का क्वेश्चन है ये। सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल टू के इंटू मॉडुलस स्क्वायर, के की जगह पे हम लोग के लिख देते हैं, और मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का स्क्वायर, ये मॉडुलस का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब देखिए दोस्तों स्फेयर की बात करते हैं, टी एस इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 97 × 10⁴। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 πr³, और सरफेस एरिया कितना होता है दोस्तों स्फेयर का, 4πr² का होल स्क्वायर। माइंड इट, इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में जब जब सॉलिडिफिकेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप सोविनो प्रिंसिपल लगाएंगे, और जब जब आप सोविनो प्रिंसिपल लगाएंगे तो एक कॉमन मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, बता दूं मैं आपको, जनरली हर बच्चे से मिस्टेक हो जाती है, वो मिस्टेक ये है कि वो बच्चा इस स्क्वायर को लगाना भूल जाता है, जल्दबाजी में मॉडुलस का मल्टीप्लाई कर देता है केवल। तो बेटा याद रखो ये स्क्वायर भी है यहाँ पे, है ना, मॉडुलस का स्क्वायर, इसकी गलती बहुत होती है, मैंने देखा है, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, जो सारे बच्चे, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे इसको करते हैं। तो देखिए गाइस, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा, टी एस इक्वल टू 97 × 10⁴, यहाँ बचेगा r/3 का स्क्वायर। तो मान लीजिए कोई स्फेयर है जिसकी रेडियस r है, और अगर मैं डायमीटर की बात करूँ, डायमीटर अगर d है, तो देखिए दोस्तों क्या मैं इसको ले सकता हूँ, टी एस इक्वल टू 97 × 10⁴। अब r को मैं क्या ले सकता हूँ, r को मैं डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, d/2 × 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, टी एस इक्वल टू 97 × 10⁴, ये क्या हो जाएगा, d/6 का स्क्वायर। तो आज से याद से सुन लो बेटा, मॉडुलस ऑफ स्फेयर डायरेक्टली याद कर लेना, इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मॉडुलस की वैल्यू क्या रहेगी, d/6, ठीक है, ये मॉडुलस ही तो है, ये वॉल्यूम ऑन सरफेस एरिया मॉडुलस होता है। तो मॉडुलस की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रही है, d/6, किसके लिए, स्फेयर के लिए। तो स्फेयर का मॉडुलस डायरेक्टली आपको याद करना है कितना, d/6, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ स्फेयर, ठीक है, डायरेक्टली याद रखनी है, बार बार ये पूरा फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो d/6 आपको डायरेक्टली याद कर लेनी है। नाउ वैल्यूज को पुट कर देते हैं, टी एस इक्वल टू 97 × 10⁴, और डी की जगह पर क्या पुट कर दिया मैंने, रेडियस 200 mm दे रखी है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 400 mm डिवाइडेड बाय 6 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं एक बार, गाइस अब एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर जो इसकी यूनिट थी कितनी थी, देखिए गलती कर देंगे बच्चे, यहाँ पर यूनिट थी सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आप डायमीटर की यूनिट क्या रख रहे हो,
एमएम में रख रहे हो तो यूनिट तो कैंसिल आउट नहीं होगी, तो इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में, ठीक है। तो मैं इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ से जो यूनिट आएगी डायमीटर की यूनिट आएगी एमएम, और एमएम का स्क्वायर यानी एमएम स्क्वायर हो गया, एमएम स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं मीटर स्क्वायर में, तो 10^-6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर। कौन सा? ये वाला टर्म, 400 वाला टर्म जो है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकेंड में, विच इज कमिंग आउट TS=4311.1 सेकेंड्स, यानी इतना समय उस कास्टिंग को सॉलिडिफाई होने में लगेगा, ठीक है, सॉलिडिफाई होने में इसको इतना समय लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया क्या किया मैंने? यहाँ पे डी की यूनिट किस में रखी है? मैंने एमएम में रखी है, तो एमएम का स्क्वायर बन गया क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, स्क्वायर की गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो स्क्वायर ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? एमएम स्क्वायर बन जाएगा, तो एमएम स्क्वायर को 10^6 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो इस मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल ड्रॉप A spherical drop, of 2 mm radius, is solidified, in 10 seconds, What is the सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ अ ड्रॉप विद डबल रेडियस इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा तो इट इज ऑब्वियस कि मटेरियल सेम रहेगा, है ना। बस क्या करना है, जो रेडियस 2 mm की है उसको डबल कर देना है और आपको सॉलिडिफिकेशन टाइम बताना है। तो हमारा जो फॉर्मूला था दोस्तों, वो क्या था? हमारा जो लॉ था वो ये था कि सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस स्क्वायर, यही था। तो क्या मैं इस फॉर्मूले के तहत ऐसे लिख सकता हूँ कि TS1/TS2 इज इक्वल टू m1/m2 का होल स्क्वायर? एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, TS आपको दे रखा है 10 सेकेंड, TS1 आपको दे रखा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लिख दिया। TS2 आपसे वो पूछ रहा है मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है d1/6, ये क्या हो जाएगा d2/6, 6 ऊपर चला जाएगा और सब का होल स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 10/TS2 आपको निकालना है। यहाँ क्या बचेगा? d1/d2 का होल स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल ड्रॉप है और स्फेरिकल ड्रॉप का अभी अभी बताया मैंने, स्फेरिकल अगर कोई भी चीज़ है तो उसका मॉडुलस कितना होता है? d/6, तो वही चीज़ मैंने पुट कर दिया, d1/6 और d2/6। यहाँ पर ले आए इसको 10 की जगह पर 10, ये हो गया TS2 इक्वल टू d1 कितना है? d1 है 2 mm रेडियस दे रहेगी, तो डायमीटर कितना हो गया? 4 mm हो गया, डिवाइडेड बाय डबल डबल रेडियस, मतलब 4 mm रेडियस हो गई, 4 mm रेडियस हो गई, तो डायमीटर कितना हो गया? 8 mm, 8 mm, और सबका होल स्क्वायर तो कितना आ गया दोस्तों? 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 10/TS2 = 1/4, तो TS2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 40, कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड्स, तो 40 सेकेंड दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको मैं, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है, क्यूबिकल कास्टिंग इज सॉलिडिफाइड
क्यूबिकल कास्टिंग इज सॉलिडिफाइड इन 5 मिनट्स. एक क्यूबिकल कास्टिंग है जो 5 मिनट में सॉलिडिफाई हो रही है. वॉट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम, वॉट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूबिकल कास्टिंग विच इज 8 times हैवियर देन फर्स्ट कास्टिंग, देन फर्स्ट क्यूबिकल कास्टिंग. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. चलिए 2 मिनट देता हूँ आपको, करिए फटाफट. एक क्यूबिकल कास्टिंग है जिसका सॉलिडिफिकेशन टाइम 5 मिनट है. वॉट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ अ क्यूबिकल कास्टिंग विच इज 8 टाइम हैवियर देन द फर्स्ट क्यूबिकल कास्टिंग, यानी पहली क्यूबिकल कास्टिंग से वो 8 गुना ज्यादा भारी है. ठीक है, मॉडुलस ऑफ क्यूब, क्यूब का मॉडुलस निकालते हैं. मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया. क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों? क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब. अगर कोई क्यूब है उसकी डायमेंशन ए है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब. उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a square. मैं यहाँ क्यूब बना ही देता हूँ मिनट के लिए. ये मान लीजिए कोई क्यूब है और इसकी एक साइड कितनी दे रखी है आपको? इसकी एक साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक की ए दे रखी है, तो इसकी सारी साइड ए होंगी. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब. और इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. हर फेस का एरिया कितना होगा? इस वाले फेस का एरिया कितना होगा? इस वाले फेस का एरिया होगा ए स्क्वायर. तो सारे फेसेस का एरिया ए स्क्वायर, तो टोटल फेस 6 होते हैं, तो 6a square. ठीक है, तो ए स्क्वायर से ये वाली कट के कट जाएगी, तो कितना बचेगा? एम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा दोस्तों? a/6. ठीक है, जिस तरह से अभी स्फेयर का मॉडुलस कितना था? d/6. सिमिलरली क्यूब का भी कितना होगा? a/6. वहाँ पे डी डायमीटर था, यहाँ पे ए कोई एक डायमेंशन है. ठीक है, कोई एक साइड है. ना अब हमसे वो कह रहा है कि क्यूबिकल कास्टिंग है, तो और दूसरी क्यूबिकल कास्टिंग उससे 8 टाइम हैवियर है, यानी कि मास ऑफ सेकंड कास्टिंग इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मास ऑफ फर्स्ट कास्टिंग. यही बोल रहा है क्वेश्चन. मास क्या होता है दोस्तों? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू ए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने. चूंकि मटेरियल सेम है तो डेंसिटी दोनों की सेम होगी, तो डेंसिटी और डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी. तो यहाँ से क्या जाएगा? v2 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ v1. ठीक है, ये निकल के आ गया. अब लेट ये हमारा, मान के चलिए ये हमारा लेट, ये हमारा पहला क्यूब है, छोटा वाला क्यूब है. दिस इज द क्यूब फर्स्ट, यही इसी वाले को बोल देता हूँ जिसकी डायमेंशन a है. और जो बड़ा दूसरा क्यूब है वो बड़ा क्यूब है, क्योंकि 8 टाइम हैवियर है तो ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा थोड़ा सा. तो ये बड़ा वाला जो क्यूब है, इसकी डायमेंशन मैंने मान ली दोस्तों, इसकी डायमेंशन मैंने मान ली कैपिटल a. इसकी ये जो साइड है ये मैंने मान ली कैपिटल a. तो यहाँ इस फॉर्मूले से बेटा, इस फॉर्मूले को मैं आगे लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में. क्या है? v2 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ v1. अब v2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सेकंड क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ द सेकंड क्यूब क्या होगा? a3 इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब. कितना होगा वॉल्यूम? यहाँ से लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब हो जाएगा a3, और वॉल्यूम ऑफ द सेकंड क्यूब कितना है? कैपिटल a3. ठीक है, तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा स्मॉल a3. बेटा यहाँ से a बराबर कितना आ गया? a इक्वल टू 2 ऑफ a. खत्म. उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बड़े वाले क्यूब का सॉलिडिफिकेशन टाइम बताइए. तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, TS1 अपॉन TS2
इक्वल टू मॉडुलस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस टू का स्क्वायर। टी एस वन आपको दे रखा है 5 मिनट्स एज पर दी क्वेश्चन, 5 मिनट डिवाइडेड बाय टी एस टू आपको निकालना है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मॉडुलस वन, मॉडुलस वन क्या हो जाएगा ए बाई सिक्स का स्क्वायर, मॉडुलस टू क्या हो जाएगा कैपिटल ए बाई सिक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा ए बाई कैपिटल ए का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 मिनट इक्वल टू टी एस टू आपको निकालना है। अब ए बाई ए बाई ए यहाँ से निकालते हैं हम लोग इस वाले इक्वेशन से, तो ए बाई कैपिटल ए कितना हो गया, ए बाई कैपिटल हो गया 1/2, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 1/4। तो यहाँ से टी एस टू कितना आ गया 5 मिनट्स इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20 मिनट्स। यानी कि आपको इस बड़े वाले क्यूब का सॉल्डिफिकेशन टाइम कितना होगा, 4 गुना ज़्यादा, दैट इज़ अ 20 मिनट्स। कितना आंसर है इसका 20 मिनट्स। आ रही वास्तव दोस्तों बात समझ में, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये, ठीक है, जो आज मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज़ अ शोविन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्डिफिकेशन टाइम। ठीक, तो इस सॉल्डिफिकेशन टाइम वाले पार्ट को अच्छे से प्लीज़ पढ़ लीजिए, घर पर जाके इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाइए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप खुद जाके चेक करो कि इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है, ऑल्टरनेट ईयर में 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी इस पर 2 नंबर का बनता है। ठीक, तो इसको आज जाके सॉल्व करिए, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए गेट में एक बार लगा के देखिए, बाकी कोई दिक्कत आती है तो मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एक बार लगा के देखिए। ठीक, बाकी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो दोस्तों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट टाइम टाइम मिलते रहें। और इस कोड को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता दो ताकि जो नीडी बच्चे हैं उनको डिस्काउंट मिल जाए 10% का। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।